नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। माफिया अतीक अहमद के केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दो याचिका दायर की गई हैं। पहली याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी, जबकि दूसरी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दाखिल की थी। याचिका दाखिल होने के बाद यूपी सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल किया था। वहीं सरकार ने कहा कि इस मामले पर बिना सरकार का पक्ष सुने कोई भी फैसला न दिया जाए। 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल के बाहर अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वकील विशाल तिवारी की दायर याचिका में हत्या की उच्च स्तरीय जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की गई है। वहीं आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट यह याचिका पर सुनवाई आज करेगा। याचिका में योगी सरकार में अभी कुल 183 एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए हैं।